हेलो जी, माय नेम इज़ रुई खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है अरिश्मा खान। अरिश्मा खान को कौन नहीं जानता। शी इज़ फ्रॉम शाहजहानपुर, यूपी, इंडिया। शी इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। तो अब आप खुद कैलकुलेशन करें कि उन्होंने एक्टिंग बिफोर 9 ईयर्स स्टार्ट कर दी थी, सो वट विल बी हर एज एट दैट टाइम। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, और मुझे बताना कि क्या एज थी जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की थी। और 28.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके टिकटॉक पे। और दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो स्वागत है आप सबका। जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस अपलोड हों तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, और एज़ यूजुअल मैं अपना रिएक्शन दूँगी इस वीडियो के एंड में। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी, यकीन करने की मिट्टी जहरीली हो गई थी। उसमें भी ये लड़का मोहब्बत के बाग लगा सकता था, और किसी की मुस्कान के आगे खुद को बुझा लिया इसने, वरना चाहता तो शहर में आग लगा सकता था। एक, दो, तीन, चार, मुझसे जलोगे कितनी बार। म्यूजिक। हाय 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 हाय। दुश्मनों से तो कर लेते, कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया आए हाए। कोई अपना दुश्मनी पे उतर गया है, और मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब। मेरे हक में जो दलीलें थी फिजूल हैं अब। मेरा गवाह गवाही देने से मुकर गया। बहुत हाए 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 हाए। तो अकरत वाली बीवी बन जाओ। मेरा जिक्र तक ना करे, इतनी भी ना खफा हो, वापस आ, मेरा प्यार लौटा, चल अब दफाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा आईब्रो का क्या हुआ? जो तोड़ दिया दिल तुमने हमारा, इसको बहुत गुरूर था तुम्हारे प्यार पर। गॉश, शी सो ब्यूटीफुल। सदका उतारो अपना, लुक एट दैट, मेरा दिल आ गया है तुम पर। हाय 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 हाय। मेरी पसंद को मैं पसंद हूँ, बस इसी बात का घमंड है। अच्छा जी, हाय हाय, मजेदार। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी। एक तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क जाहिर करूं तू भी कभी भौंक दे कुत्ते। ये जो भीख समझकर वक्त देते हो ना, याद रखना सदा कोई बादशाह नहीं रहता। ये जमाना जालिमों से भरा हुआ है, ये लोग इतने अच्छे नहीं जितने ये दिखा करते हैं। खैर अब छोड़ो ये बातें, इन बातों में क्या रखा है। अल्लाह खुश रखे उसको, हम दिल से दुआ करते हैं। इश्क करने के लिए इतनी हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देख कर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत। मेरा प्यार अधूरा रह गया, कोई बात नहीं, पर तेरा तो टाइम पास पूरा हो गया ना। हाय 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 जालिम, तेरा तो टाइम पास पूरा हो गया ना। बहुत बड़ी बात कर दी। उसकी ज़ुल्फ़ों का साया था अंधेरे जैसा, चेहरा था मानो कोई सवेरे जैसा। जा रही हो तो एक मशवरा लेके जाओ, कि अब एक ही पटाना लेकिन मेरे जैसा। हाय हाय हाय, क्या बात है यार, उफ जबरदस्त, बहुत अच्छे। बड़े लोगों में बैठकर अपने आप को जलील मत किया करो, अपने जैसों में रहो नवाबों की तरह। बहुत अच्छी बात। She's the same girl? Really? Same girl है क्या? बाजीगर मैं बाजीगर। मेकअप कितना चेंज कर देता है इंसान को यार। किसी ने कहा था जलो मत, बराबरी करो। मैं कहता हूँ तुम जल ही लो,
क्योंकि बराबरी तुमसे होगी नहीं, होगी नहीं। आए 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 आए, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो जाता है पर बातें कभी वापस नहीं आती। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। I like her dresses. क्या संकल्प है? शराब बुरी चीज है और इसे खत्म करें। हाँ, देखो सही संदेश कविता में होना चाहिए। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल एक बोतल हम करो। वेरी गुड। कुछ लोग बोल रहे हैं अगर तू लगातार टिकटॉक पे वीडियो नहीं डालेगा तो लोग आगे निकल जाएंगे। अबे ओ, आगे निकल सकते हैं, आग नहीं, आग नहीं लगा सकते। हाय 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 हाय, मजा आया ना, मजा आया ना। वो खुश होगी ऊपर से पर अंदर से घायल भी होगी, हो गई होगी कुछ समझदार पर थोड़ी पागल भी होगी। और क्या बोले, मुझे भूल चुकी, अमा छोड़ो तुम जाओ देखो, ससुराल में उसके गहनों में एक मेरी पायल भी होगी। जबरदस्त मेकअप था इस वीडियो में, बहुत जबरदस्त मेकअप। मैं सारी नमाजें भी पढ़ती हूँ और दुआ भी करती हूँ, पर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती है? बेटा मैंने झाड़ू भी लगा लिए, बर्तन भी धो लिए, अफ्तारी का सारा सामान भी बना लिया, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अरे यार मम्मी, आप दो चार काम क्या कर लेते हो, इतनी जल्दी थक जाते हो। मुझसे ना रोजे में बिल्कुल काम नहीं होने वाला, मैं कुछ काम नहीं करने वाली, जब देखो तब नाटक। आपको पता है आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? क्यों? क्योंकि मेरे हाफिज जी ने बताया था, जो लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते उनकी दुआ कबूल नहीं होती। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो आपकी सारी दुआ कबूल होगी। माँ बाप राजी तो अल्लाह राजी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह, गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक दिस वन। आप जब सुबह लेट उठते हो तो आपको खाने में क्या मिलता है? चप्पल। मुझे नहीं मिलता। मुझे चप्पल नहीं मिलता। तो मेरी आंखें मत जलाना कि मैं मर जाऊं, तो मेरी आंखें मत जलाना, मैं उसे रोता देखना चाहता हूं। कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें मत जलाना, मैं उसे रोता देखना चाहता हूं। मुझे पता है एक दिन वो लौट के आएगी, मैं उसे अपनी कब्र पे सर रख सोता देखना चाहता हूं। ओए होए 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 होए, ज़ालिम, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बहुत ज़बरदस्त, दिस लास्ट वन वाज ब्लास्ट यार। मुझे इसके सारे वीडियोस देख के बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया रियली। मतलब एक एक बात जो उन्होंने कही ना, वो लाख रुपए की बात थी। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी प्यारी उसने एक्टिंग की है, शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन दिस यंग एज, शी इज़ गॉट सो फेमस, शी इज़ गॉट सो पॉपुलैरिटी। मतलब इतने मशहूर हो जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एंड आई थिंक लड़कियों के लिए पॉपुलैरिटी लेना बहुत इजी है, बिकॉज़ एक तो मेकअप का बहुत कमाल होता है और मेकअप बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल बना देता है पर्सन को। अभी दूसरा, ऐसी यंग एज में मैं ये कहूँगी कि आजकल के ज़माने में बिटवीन 12 एंड 20 ईयर्स ऑफ एज, अगर आपने कुछ कर लिया तो आपने कर लिया, अदरवाइज आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज आपकी ज़िंदगी जो है स्लॉप में जानी शुरू हो जाती है, मतलब ऐसे ढिलान में जानी शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ मिलता है घर के सपोर्ट पे। अब अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो यहाँ तक पहुँची हैं, उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट की होगी। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने अपने घर वालों से बात की थी कि मुझे टीवी पे बात करनी है, तो मुझे बहुत छितर पड़े थे। हाँ हाँ, हंसो हंसो, सब हंसो, हंसने वाली बात है यार। मैं हुआ क्या था कि एक टीवी चैनल के साथ मैंने अपना एग्रीमेंट साइन वगैरह कर दिया, सब कुछ हो गया, फ़ोटो सेशन भी दे दिया, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए मंडे को बुला लिया। अब मैं सोचूं कि मैं घर वालों से कैसे बात करूं। खैर, जब मैंने अपने बड़े भाई से बात की तो बड़ी डांट पिटी, बड़ी डांट पिटी, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया। फिर मैं अपने आप को कोसती रही कि मैं लड़की क्यों बनी हूँ, मैं लड़की क्यों बनी हूँ, लड़कियों के लिए इतनी मुश्किलें होती हैं, आगे नहीं बढ़ सकती हैं, आज़ादी से कुछ कर नहीं सकती हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर के जो मुझे छितर पड़े थे ना, बड़े ज़ोर से पड़े थे वो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मुझे यकीन है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।